काले धन के कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पास करोड़ों रुपए की नकदी का पता कैसे चला, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जीएसटी की खुफिया महानिदेशालय की ओर से कोर्ट में 334 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में बताया गया है कि पीयूष जैन के घर के फर्श के लगे पत्थरों की डिजाइन में कई तरह के कोड थे। इसको लेकर पहले तो डीजीआई की टीम भी अचंभित रह गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट को डिकोड कर पीयूष जैन के घर में छिपे नकदी का पता लगाया गया था। चार्जशीट में तकरीबन 197 करोड़ रुपए नकद बरामद होने की बात कही गई है। तलाशी के दौरान डीजीआई की टीम के सदस्य भी यह देखकर चकरा गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन सभी कोर्ट्स को ब्रेक कर पूरी दौलत और सोने तक अपनी पहुंच बनाई। चार्जशीट में तकरीबन 196.45 करोड़ रुपए नकद और 23 किलो सोना बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई गई है, जो काले धन की श्रेणी में आएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले पीयूष जैन का तार सिलीगुड़ी के एक सुपारी तस्कर से भी जुड़ा था। आयकर विभाग की टीम ने सुपारी कारोबारी के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। आरोप पत्र में बताया गया है कि डीजीआई के एक अधिकारी की नजर पीयूष जैन की छत से लगी दूसरी छत पर गई थी। दोनों घरों के बीच एक छोटी सी दीवार थी। अधिकारी ने पूछा था कि यह किसका घर है। जवाब में पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष ने इसे अपना घर बताया था, साथ ही कहा था कि इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है। डीजीजीआई की टीम ने उस घर में चलने के लिए कहा तो प्रत्युष बोला इसका गेट पीछे है, जिसके बाद अफसर चौके और पीछे वाले दरवाजे से चलने को कहा गया। डीजीजीआई की टीम जब दूसरे घर में घुसी तो अधिकारी एक बेडरूम के पास पहुंचे। ये बेडरूम बताया जा रहा है कि पीयूष जैन का था। हिंदुस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक बेड के पीछे दीवार में डिजाइनर कुशन यानी कि फॉर्म लगा था। कुशन को दबाया गया तो वह खिसक गया। इस पर अफसरों को शक हुआ, जिसके बाद थोड़ा सा और जोर लगाकर उन्होंने दबाया कुशन को, जिसके बाद कुशन 4 फीट तक हट गया और सामने खुफिया लोहे का दरवाजा आ गया। ये देखते ही पीयूष के दोनों बेटों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। अफसरों ने पूछा तो पीयूष के बेटों ने कहा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी चाबी भी नहीं है उनके पास, जिसके बाद दरवाजे को कटवाया गया था। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए।